नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके एक बार फिर से आपके अपने चैनल रेलवे नगर में। दोस्तों अभी फ़िलहाल हमें मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन में, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, और आज हम यात्रा करने वाले हैं छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में, जो कि अमृतसर से बिलासपुर के बीच में चलती है। तो भाई फाइनली अपनी ट्रेन आ चुकी है। कौन समय है? 7:13:14। तो भाई आपको इस ट्रेन के बारे में बता दूं तो यह ट्रेन अमृतसर से चल के लुधियाना, अंबाला, सहारनपुर, मेरठ, दिल्ली, भोपाल, इटारसी, नागपुर, दुर्ग होते हुए अपने फाइनल डेस्टिनेशन की ओर पहुंचती है। तो भाई अपना ऑन टाइम निकल चुके हैं यहाँ से। दोस्तों अभी लगभग रात के 1:30 बज चुके हैं, तो चलिए अब सोने चलते हैं। सुबह जहाँ पर भी आँख खुलेगी वहीं से फिर से व्लॉग को कंटिन्यू करेंगे। और दोस्तों आपको बता दूं कि ये जो जर्नी है हम ये मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से ग्वालियर मध्य प्रदेश के बीच में करने वाले हैं। तो चलिए अब मिलते हैं आपको मॉर्निंग में। सो गुड मॉर्निंग सभी दोस्तों को। तो भाई अभी हमारी छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस हल्की हल्की बारिश के बीच में मथुरा जंक्शन पर एंट्री ले रही है, और लगभग 1 से 1.5 घंटे के डिले के साथ अभी ये चल रही है। तो आप सीन देखिए कितना अच्छा लग रहा है कि सुबह हल्की हल्की बारिश के बीच में हम मथुरा जंक्शन पर एंट्री ले रहे हैं। तो चलिए पहले इस आप जो अराइवल हो रहा है इसको एंजॉय कीजिए, इसके बाद आपसे मिलता है। दोस्तों ये सामने खड़ी हुई है युवा एक्सप्रेस, जो कि बांद्रा टर्मिनस से हजरत निजामुद्दीन के बीच में चलती है। तो भाई निकल चुके हैं मथुरा से भी, अपनी ट्रेन लगभग 1 घंटा 20 मिनट डिले चल रही है छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस। अभी अभी उठा हूँ मैं, और ये साइड में है पटना कोटा एक्सप्रेस, जिसके साथ हम पैदल चलेंगे, फिर ये कोटा वाली लाइन की तरफ अपना चल पड़ेगी। ये अभी पैदल चलेंगे, इतना अलग नहीं होती। तो भाई हम सीधा आगरा लोक वाली लाइन पे बढ़ जाएंगे, और ये इधर सवाई माधोपुर होते हुए भरतपुर के रास्ते कोटा की तरफ को बढ़ जाएगी। सामने जो आप लाइन देख रहे हो राइट साइड में, ये भरतपुर की ओर निकल जाते हैं, और अभी हम बढ़ रहे हैं आगरा वाली लाइन पे, जो कि आगे झांसी ग्वालियर की तरफ भी चली जाती है।
इसी पे अपनी कोटा पटना एक्सप्रेस को जाना है, जो कि अभी पीछे आ रही है, जिसको अभी हमने ओवरटेक किया। तो मिलेंगे अभी आपको राजा की मंडी रेलवे स्टेशन पर। तो भाई अभी पहुंचने वाले हैं आगरा, राजा की मंडी पहुंचने वाले हैं। दोस्तों अभी हम पहुंचे हैं राजा की मंडी रेलवे स्टेशन, ये भी आगरा शहर में ही मौजूद है। और दोस्तों आपको बता दूं कि जो ज़्यादातर टूरिस्ट आते हैं घूमने आगरा, उनमें से बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ भी उतरते हैं, यहाँ से भी आप इजीली बहुत सारी जगह घूमने आप जा सकते हैं। और दोस्तों आगरा शहर का ये महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन भी है। तो भाई राजा की मंडी से भी अपना डिपार्चर हो चुका है, ट्रेन यहाँ पे मात्र 2 ही मिनट रुकी थी। तो भाई जो ये सामने से लाइन आ रही है, ये मेरे सामने से ये टुंडला से आ रही है, और इसी लाइन पे आगे जाके आगरा सिटी पड़ता है, और ये आगे यमुना ब्रिज होते हुए सीधा टुंडला की तरफ निकल जाता है। और अभी हम बढ़ रहे हैं आगरा कैंट की तरफ। तो दोस्तों अभी हमारी ट्रेन आगरा कैंट जंक्शन रेलवे स्टेशन पहुंचने वाली है। और दोस्तों आप सभी को पता ही है कि आगरा किस चीज़ के लिए फेमस है, अपने ताजमहल और पेठे के लिए। आगरा विश्व में काफ़ी ज़्यादा मशहूर है, और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मशहूर है जिसके लिए पर्यटक यहाँ पे आते हैं। तो दोस्तों चलिए आप मज़ा लीजिए आगरा अराइवल का। तो दोस्तों 5 मिनट के होल्ड के बाद अपनी ट्रेन का डिपार्चर आगरा से भी हो गया है। तो अब सीधा ट्रेन रुकेगी ढोलपुर, मुरैना, और इसके बाद जो हमारी फाइनल डेस्टिनेशन है ग्वालियर। दोस्तों जैसे ही अपनी ट्रेन आगरा कैंट से निकलती है तो अच्छी खासी रफ्तार पकड़ लेती है, लगभग 100-110 की कंटिन्यूस स्पीड पे आगे बढ़ने लगती है। दोस्तों अब बात करेंगे इस ट्रेन के बारे में, तो छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस अमृतसर से बिलासपुर के बीच में चलती है। और दोस्तों यह ट्रेन 2000 से भी ज़्यादा किलोमीटर का अपना सफ़र 42 घंटे 45 मिनट में 80 होल्ड के साथ में पूरा करती है। दोस्तों इसकी जो एवरेज स्पीड है वो लगभग 47 किलोमीटर पर आवर की है, और जो मैक्सिमम स्पीड है कहीं कहीं पर वो 130 किलोमीटर पर आवर की है। दोस्तों यह ट्रेन अमृतसर से चलकर लुधियाना, अम्बाला, सहारनपुर, मेरठ, दिल्ली, आगरा, भोपाल, इटारसी, नागपुर, दुर्ग होते हुए अपने फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुँचती है। तो दोस्तों अभी हमारी ट्रेन पहुंच रही है ढोलपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन, और भाई अभी फ़िलहाल हम राजस्थान में आ चुके हैं, और जो हमारी ट्रेन का डिले है वो अब भी बरकरार ही है, लगभग 1.5 घंटे का डिले ट्रेन ने कर दिया है। बाकी देखते हैं यहाँ पर ट्रेन को कितना होल्ट दिया जाता है।
दोस्तों लगभग 5 मिनट के होल्ट के बाद हम धौलपुर से भी निकल रहे हैं और हमारा जो नेक्स्ट होल्ट होने वाला है वो मुरैना होने वाला है जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। और अभी हम धौलपुर रेलवे स्टेशन से निकल के चंबल की घाटी को पार करते हुए मुरैना पहुँचेंगे। चंबल नदी उसी का ही है। तो भाई फिलहाल कर रहे हैं चंबल नदी को पार। पानी कोई खास ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा खास पानी नहीं है भाई, नॉर्मली जैसे मानसून का सीज़न चल रहा तो इतना ज़्यादा पानी है नहीं। घड़ियाल दोस्तों अभी हमारी ट्रेन पहुंच रही है मुरैना रेलवे स्टेशन जो कि मध्य प्रदेश में मौजूद है। और दोस्तों एक अच्छा खासा नॉर्मल सा रेलवे स्टेशन है और काफ़ी ट्रेनों का यहां पे होल्ट भी दिया गया है, काफ़ी लंबी दूरी की ट्रेनें भी यहां पर रुकती है और यहां से अच्छा खासा आपको क्राउड भी मिल जाता है। दोस्तों स्टेशन तो काफ़ी साफ़ सुथरा लग रहा है देखने में और काफ़ी बड़ा भी लग रहा है जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ। सो फाइनली 5 मिनट के होल्ट के बाद में अपनी ट्रेन मुरैना से भी निकल रही है और अब हमारी ट्रेन का जो सीधा स्टॉप होने वाला है वो ग्वालियर जंक्शन पर होने वाला है, तो हमारी भी फाइनल डेस्टिनेशन वही होने वाली है। दोस्तों बात करूं इस ट्रेन के ओवरऑल एक्सपीरियंस के बारे में तो इस ट्रेन में आपको जैसे कि हम 3rd AC में ट्रैवल कर रहे हैं तो बेड रोल वगैरह मिल जाएगा, खाने पीने के भी इस ट्रेन में अच्छी व्यवस्था है, टॉयलेट वगैरह भी लगभग नॉर्मल ही रहता है, ज़्यादा गंदे हालात नहीं है, काम चल सकता है। तो दोस्तों फाइनली अपनी एंट्री हो रही है अपने डेस्टिनेशन रेलवे स्टेशन पर यानी ग्वालियर जंक्शन पर। तो दोस्तों आई होप आपको इस हमारे छोटे से व्लॉग में मज़ा आया होगा और कोशिश हम करेंगे क्योंकि ये हमारा पहला ही व्लॉग था, आने वाले समय में और ज़्यादा व्लॉग अपलोड हम करें। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो भाई वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट व्लॉग में या वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद जय भारत।